हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज में मैं आपके लेके आया हूँ प्रॉक एसक्यूएल में ड्रॉप स्टेटमेंट। तो ड्रॉप स्टेटमेंट करता क्या है, किसी एक लाइब्रेरी में, जैसे ये हमारे पास लाइब्रेरीज है, इनके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, मैं कोई एक लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ, सपोज मैंने मैप्स ओपन कर लिया, तो इसके अंदर देख रहे हैं आप हमारे पास काफी सारे डेटा सेट्स हैं, तो ड्रॉप स्टेटमेंट इनको डिलीट करने के काम आता है। कैसे, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले हम अपना खुद का एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे कस्टम लाइब्रेरी के अंदर और फिर हम उसको डिलीट करेंगे। तो मैं डेटा सेट पे सैस हेल्प लाइब्रेरी में जाता हूं और एक कार्स एक डेटा सेट है मेरे पास, तो इसकी वजह से जैसे मैं लिख लेता हूं प्रोग्राम प्रॉक एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैस हेल्प डॉट कार्स और क्विट। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, ऑल ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं क्रिएट टेबल कस्टम डॉट न्यू डेटा एस। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया जिसमें मैं एक क्रिएट स्टेटमेंट लिख के कस्टम लाइब्रेरी के अंदर न्यू डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूं। कहां से ले रहा हूं, तो सेलेक्ट यानी कि सब कुछ मैं उठा रहा हूं सेलेक्ट स्टार लिख के सैस हेल्प डॉट कार से। तो सैस हेल्प डॉट कार्स जो मेरा सैस हेल्प लाइब्रेरी के अंदर कार्स डेटा सेट है, एज इट इज डेटा सेट मेरा कस्टम लाइब्रेरी के अंदर न्यू डेटा के नाम से बन जाएगा। तो इसको मैं रन कर देता हूं, लॉग में देख लेता हूं, बिल्कुल 428 रोज और 15 वेरिएबल्स के साथ मेरा न्यू डेटा सेट रेडी हो गया। ओके, तो अब मेरा डेटा सेट बन गया। अब मुझे ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करना है। ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज होता है कि एक लाइब्रेरी से वो किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। तो कैसे, ये मैं करके दिखाता हूं आपको। प्रॉक एसक्यूएल ड्रॉप टेबल कस्टम डॉट न्यू डेटा और क्विट। अब देखिए, क्रिएट टेबल करके मैंने टेबल क्रिएट किया, लाइब्रेरी का नाम दिया, डेटा सेट का नाम दिया, और ड्रॉप टेबल लिख के मैं उसको डिलीट कर देता हूं। कहां से, लाइब्रेरी कस्टम से और डेटा सेट न्यू डेटा, और मैंने इसको जैसे ही रन किया मेरा डेटा सेट डिलीट हो गया। लॉग बता रहा है टेबल कस्टम डॉट न्यू डेटा हैज बीन ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मींस डिलीटेड। ओके, इसके अलावा हम, जैसे हमने डेटा सेट डिलीट किया वैसे ही हम व्यूज भी डिलीट कर सकते हैं और फॉर्मेट्स भी डिलीट कर सकते हैं। तो व्यूज और फॉर्मेट्स क्या होते हैं, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूं कि होता कैसे है। अगर मैं यहां पे क्रिएट टेबल की जगह क्रिएट व्यू करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। डेटा सेट के बीच में कुछ सेटिंग जैसा आइकन होगा, इसको रन कर देता हूं, तो आप देखेंगे डेटा सेट के बीच में एक सेटिंग जैसा आइकन है और ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया। और अगर मुझे इसे डिलीट करना है यहां से, तो मुझे लिखना होगा ड्रॉप व्यू व्यू कस्टम डॉट न्यू डेटा, और अब मैं इसको रन कर देता हूं तो ये मेरा व्यू डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करके अपनी लाइब्रेरी से कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपनी लाइब्रेरी से ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।